ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 8 मई के श्री वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम व्यर्थ संकल्पों से हल्के हो जाएं और समत संकल्प करना शुरू करें ताकि हम हल्का महसूस करें। उसके करना क्या है ये हम एक्सप्लोर करेंगे इस वरदान में। परमात्मा हेडी में कहते हैं, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग, मतलब जो हमारी कंपनी होती है, जो संग रखते हैं, उससे भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या तो हम वेयर संकल्प वेस्ट थॉट्स बहुत करते हैं, या तो हम समर संकल्प जो कि प्योर थॉट्स हैं वो करते हैं, वो सारा हमारी संगत पे पड़ता है। तो शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ता भव। तो अलौकिक फरिश्ता ये हो गया दुनियावी लोक जहाँ हम रहते हैं, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य आत्माएं, और अलौकिक मतलब कि जो इस दुनिया को अपना मानते ही नहीं है, इस दुनिया में कुछ समय के लिए हैं और हल्के हो जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले लोग भारी, और जो आत्माएं मेरे 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 से परे हैं वो फरिश्ते हो गए। तो तभी दिखाते हैं कि फरिश्तों के पैर कभी ज़मीन पर नहीं होते हैं, नहीं तो जो लोग भारी होते हो तो ज़मीन पर ही होंगे ना। तो फरिश्ते हल्के होते हैं, मन से हल्के होते हैं, वो मेरे मेरे में अटके नहीं होते, वो चिंदी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे वो टेंशन नहीं लेते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, और बेफिक्र बादशाह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के जो दिए हुए डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार चलते हैं, फिर परमात्मा पिता हुए उसके रिस्पॉन्सिबल। परमात्मा कहते हैं, आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। अभी मुरली क्या है बोलेंगे, मुरली तो एक फ्लूट होती है, लेकिन परमात्मा जो हमें ये ज्ञान देते हैं 4 पेज की, जो हम हर दिन ईश्वरीय ज्ञान पढ़ते हैं, उसको कहते हैं मुरली। मुरली को कहेंगे एक मधुर फ्लूट, एक मधुर मुरली, जो ज्ञान भी क्या होता है, हमें मधुर सुनाई देता है, मीठी बातें सुनाई देती हैं, तो मीठी मुरली हो गई है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। हम जब मुरली पढ़ते हैं अपने लाइफ में, जब से ब्रह्म कुमारी इसका 7 डे कोर्स किया, उसके बाद में ये एवरी डे का हमारा 4 पेजेस का, बस 4 पेज का न्यूज़पेपर कोई पढ़ लेता है, कोई तो घंटों घंटों एक यूट्यूब का चैनल देख लेता है, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। तो हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, हम सुबह सुबह उठ करके परमात्मा के ये ईश्वरीय वरदान हम सुन लेते हैं, और परमात्मा के ज्ञान के वरदान और ज्ञान के बोल हम सुन लेते हैं, ताकि हमारा मन सुबह सुबह ही ताकतवर चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से भर जाए। उसका बहुत असर पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो। दैट मीन्स मुरली पढ़ ली सुबह, लेकिन बाद में जा करके परमात्मा ने कहा क्या था, ये सारी चीजें रिवाइज करना। शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। तो जब कोई ज्ञान पढ़ाते थे हमें स्कूल में, अगर आपको याद करें, तो ज्ञान जिसका लेते थे, चाहे मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, अगर आपको ज्ञान अच्छे से समझ आता था तो आपको टीचर का नक्शा, उसका फेस भी समझ आ जाता था, दिख जाता था वो चीज़ कैसे पढ़ाई थी, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हुई टीचर आपको दिख जाती थी। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, जब तुम इस ज्ञान को पढ़ते हो और इसका उसको याद करते हो, दिन भर शुद्ध संकल्प करते हो, तो तुम्हें मैं याद आ जाता हूँ, मैं क्योंकि तुम्हारा टीचर भी हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। और हल्के कैसे रहें, शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। क्यों, क्या, कैसे, उसने क्यों कर दिया, ऐसे क्यों होना चाहिए था, काश 10 साल पहले ये किया नहीं होता तो, और फ्यूचर ऐसा होता है मेरा, अब फ्यूचर में क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कहाँ से होगा, कौन करेगा, कब करेगा। परमात्मा कहते हैं, ये सब व्यर्थ संकल्प है जो कि आपको भारी कर देते हैं। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। हल्के होते हैं फरिश्ते, और हल्की सोच क्या है उसको जानने के लिए और गहराई से आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के 7 डेज का कोर्स करें और गहराई से इस ज्ञान को समझें। इसके साथ शुभ रात्रि, ओम शांति।